यूनिटेक की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली पुलिस ने यूनिटेक के चेयरमैन रमेश चंद्रा, एमडी संजय चंद्रा, अजय चंद्रा और मिनोटी बिहारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी है। इन पर पजेशन में देरी और पैसों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप है। कहते हैं बिल्डर सताए तो कोर्ट बचाए। ये खबर यूनिटेक के उन होम बायर्स को काफी राहत देने वाली है जिनके पैसे से यूनिटेक खिलवाड़ कर रहा है। दिल्ली की साकेत कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने यूनिटेक के चेयरमैन रमेश चंद्रा, एमडी संजय चंद्रा, अजय चंद्रा और मिनोती बिहारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जी मीडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 2006 में संजीव गोयल ने ग्रेटर नोएडा में हैबिटेट प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक कराया। संजीव गोयल ने नोएडा के ग्रैंड प्रोजेक्ट में प्लॉट की बुकिंग भी की। 10 साल बीत जाने के बाद भी संजीव गोयल को फ्लैट का पोजीशन नहीं दिया गया। संजीव गोयल ने यूनिटेक के साथ कई मीटिंग भी की लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। यूनिटेक के झूठे आश्वासन से तंग आकर आखिरकार बायर को कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। होम बायर्स की आवाज को बुलंद करते हुए दिल्ली की साकेत कोर्ट ने यूनिटेक लिमिटेड और यूनिटेक हाईटेक के खिलाफ मामला दर्ज करने का भी आदेश दिया। जी मीडिया के पास एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी है जिसमें यूनिटेक के खिलाफ धारा 420, 406, 120 बी और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले जनवरी में यूनिटेक को एक दिन की जेल की हवा खानी पड़ी थी और जमानत पर बाहर निकलने के बाद ही चंडीगढ़ की एक कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुना दी। कहते हैं कि ठोकर खाने के बाद हर इंसान को अकल आ जाती है, लेकिन जेल की हवा खाने के बावजूद ना तो यूनिटेक और ना ही उसके प्रमोटर्स अपनी हरकतों से बाज आ रहे हैं। गौरव खोसला, जी मीडिया।